अस्सलाम वालेकुम कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूं कि सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला सारे लोग खुश रखे, ज्यादा आबाद रखे। इससे पहले दुआ दरार आई दी शुरू कर दिया। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अपने बैंड भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं मैंने सारे सोबिया फैमिली ब्लॉग चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि सभी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन मेरे बैन मेरे तक बर्बाद पहुंच सके। अच्छा जी, आज की वीडियो सभी कुछ इस तरह के चले दरबार से। हां जी बाबा नेश शबल, बाबा नेश शबल। थोड़ी जी देर हो गई सी क्योंकि दूर सी ना, ते माशाल्लाह करके सी आ गए हां जी। ਬਾਬੇ ਨੈਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਚਾ ਭਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਚਾ, ਅੱਲਾ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कर दे ऊपर ऊपर ले। बिस्मिल्लाह। अल्लाह खैर करे ते अल्लाह हर मुसलमान इन्हां दे घर ते आउंदे तौफीक देवे, तंदरुस्ती देवे। मेरा मां प्यो भैन भरा सारे इन्हू मनदे आ, इंशाल्लाह जेड़ी भी गल मनदे आ इंशाल्लाह उन्हां दीआं मुश्किलां हल हो जाणगीआं। हर मुसलमान नूं क्योंकि इन्हां दे दर ते आवांगे फिर ही अल्लाह पाक सानूं मुसलमान अपने पीर फकीर नूं याद रखदा ना मेरे ना गोडे च दर्द, मेरे गोडे सट लगी जी, मेरे ओ दर्द आ इत्थे गोडे च। बहुत दर्द करती है, मगर जो दर्द सुनती है आशा फैमिली ब्लॉक याद आ जाता है।
दरबार शरीफ अल्लाह खैर करे। चलो जी बाबे तेन कबूतरा पाओ चौका। हाँ जी चौका भी पाने दरबार से। चलो अच्छा जी माशाल्लाह दाने पाने लगे कबूतर चौका। पापा जी उन्होंने तार लगा हुआ वा माशाल्लाह। ऊपर भी बैठे हुए अजे चौगा पाना है जानवर बाबे तेज बाबे नैशा वाली कबूतरा जी। हां जी अल्लाह खैर करे। बाबा जी सारे पा दवा अल्लाह थोड़े जो भी बैठे पौधे भी लगाए हुए अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। आजो 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 मैं तो कुछ नहीं कहता तुसी को डरते हो मेरे को। आजो मैं भी रखे घर टेंशन ना लो। अल्लाह मियां खैर अल्लाह खैर करे जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ काला कबूतर है कितना सोना लगदा है जन्नी लुआ। हां हां जी अरे उरे उरे बैठा है। हां जी निक्का ना बच्चा आ जेड़ा पजा आवे पजा के स्पीड में भूख लगी सी बेचारे। अल्लाह खैर करे बच्चा वा रहंदे इथे इन्हां नूं खाण नूं बहुत कुछ अल्लाह इन्हां दे मुकद्दर जिहड़े दे ही जांदा अल्लाह पाक ने देणे जिहड़ा लिखिया वा हुण असीं आ पौणे सन मेरे पाई ने वावा थाने। हां जी हुण असीं पौणे सन सही। अल्लाह पाक खैर करे। बाबा हुण इन्हां दे नसीबां दे साडे हाथ दी चोगा सी तू किवें पा लै हुण साडे मुकद्दर बाबा ही लिया के इन्हां नूं पाते। हां जी करे मेरे अल्लाह मंजूर करे बाबा नैशा वली बा मंजूरियां करवावे करे इंशाअल्लाह ताला पर फजल खुदा। अच्छा जी चलो जानवरों ने चोगा पाना भी सवाब आ। हां जी अस तो बाबे बाबू सुल्तान गए सी ओदो भी चोगा लेके गईया सी। अल्लाह खैर करे ते आज जाओ दरबारा ते पता जाए फिर रखे। हां जी जानवर हैगे। अल्लाह खैर अल्लाह दे दे बाबा नशा वाली ते कब्र ने कोले माशाल्लाह जी दुआ मंगन दे दुसान ना नाल बाबा नशा वाली दे। हां जी इत्थे भी सारे बिच अपने पिंड दे भी हैगे बंदे। अल्लाह पाक खैर करे। वैसे भी मुसलमान नु दुआ मंगनी चाहिदी। हां जी हजे विच कोई अद्धियां कब्रां कच्चियां भी हैं कुछ पक्कियां। एक दिन जी साहब इत्थे आना असी भी इस मिट्टी थले आना। अल्लाह खैर खैर ना लिया याद रखना चाहिए ना मुसलमान नु हर वेले चाहिए क्योंकि बंदे नु कब्र बहुत बारी याद करती दिहाड़ी च। हाँ जी ते मुसलमान नु भी याद करना चाहिए बंदे नु इंसान नु भी चाहिए कि याद रखना कब्र नु कि अपनी कब्र नु याद रखना चाहिए। कब्र ते फिर कब्र है ना आखिरी मकाम यही आना जी इंसान आखिरी मकाम जिथे मर्जी भज लो जिथे मर्जी दौड़ लो जो मर्जी दुनिया से कर लो फरार कर लो धोखे कर लो जो मर्जी कर लो एंड ते तुहानू कब्र ने इस मिट्टी ने ही समाणा इन्हें तुहानू अपना आप विच रखना इन्हें तो देख लो किसी यही मिट्टी है की करते ये फसल उगाने
यही सानू खवांदी आ, यही सानू पालदी आ, साडा ढिड पालदी आ, सानू संभालदी भी एंड ते जाके यही मिट्टी है। क्योंकि मिट्टी है ना, मिट्टी ने मिट्टी बना सी। एक अल्लाह जन्नत और जा आला आला मकाम दवे सानू नी किसी सदके साडे रब गना माफ करे। तो अल्लाह पाक नू याद रखना चाहिए, कब्र नू याद रखना चाहिए, कि अपनी आखरत नू भी बुलाना चाहिए, आखरत के बारे भी सोचना चाहिए, अपने बारे नहीं सोचना चाहिए, आखरत के बारे सोच। जिस वास्ते जिस मकसद वास्ते अल्लाह पाक ने सानू भेजिया, सानू वो मकसद भी करन दी तफीक दा दे, ता फरमावे। तो क्योंकि करनी चाहिए हर गलबात, जो भी होनी चाहिए दसनी चाहिए भैन भरावान। अगर मैं तो आप बहुत कोई नहीं पढ़िया पढ़ा, कोई चिट्टा नपाड़ा जी, तो मगर बहरहाल अल्लाह पाक ने इन्नी अकल दी है, सोच दी है, दिमाग दिता है, जेन दिता है, हर शे दी अल्लाह पाक ने। तो अपनी आखरत भी दुनिया के नाल नाल चलना चाहिए, और दुनिया के नाल तो आखरत का भी ख्याल करना चाहिए, अपनी आखरत भी बनानी चाहिए। चोरी नहीं करेगी। हरियाली खर्चा ही तो खर्चे।